वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पचास साल पुरानी दुकान है, कुलचा है, बहुत ठोकरा कुलचा बनाते हैं। के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं अमृतसर में, अभी हम खड़े हैं अमृतसर के छत्ती कुई चौक पे। यार यहाँ पे ना जेएस कुलचे वाले हैं, उनके पास अभी हम आए हैं। पापा हमें रिकमेंडेशन दिया पापा ने कि यहाँ पे आप कुलचे ट्राई करो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिलने वाले हैं। कुलचे का इतना मैंने नाम सुना है ना कि अगर अमृतसर में आप कुलचे टेस्ट करना चाहते हो ना, जेएस वालों के कुलचे ज़रूर ट्राई करना। इनके कुलचे बहुत ज़्यादा यूनिक और क्रिस्पी हैं। तो चलो चेक करते हैं कि कुलचे की क्या मतलब, इतने ज़्यादा क्यों टेस्टी हैं और इतना ज़्यादा लोग पसंद क्यों करते हैं। यार आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को ना लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यार भाजी इतने दस रहे हैं कि हर एक तरह का कुलचा हैगा, इतने गोभी का हैगा, प्याज का हैगा, पनीर का भी हैगा, तो इतने आलू का तो है ही है। यहाँ पे पाजी गोभी का कुलचा लगा रहे हैं। गोभी के कुलचे में क्या क्या डाला आपने पाजी? गोभी में प्याज डाला, अदरक डाला, हरी मिर्च डाली है, खड़े मसाले डाले हैं। यार प्याज, हरी मिर्च, अदरक, इन सब का कॉम्बिनेशन रेडी होने वाला है। मतलब आपको हर एक कुलचे में एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, जो टेस्ट है इनका, टेस्ट की यार इनका सीक्रेट मसाला आ गया है। सीक्रेट मसाला है हमारा। आलू प्याज वाला मिक्स कुलचा तैयार। तो ये भरती जी इन्होंने पिट्ठी, जो अरोमा आ रहा है ना यार, फ्रेग्रेंस आ रही है, जो खुशबू आ रही है, बिल्कुल दिल को सुकून देने वाली है यार वो ही। सारे देसी घी देने हैं? देसी घी देना है, बटर भी है। एक 50 साल पुरानी दुकान है जी साड़ी। पहला साड़े अपना ग्रैंडफादर सन, उस तो बाद फादर साहब, उस तो बाद अभी यह मूल बटर है जी। अच्छा, सब तो पहले थोड़े ग्रैंडफादर साहब ने स्टार्ट की थी। हाँ जी, हाँ जी। उस तो बाद थोड़े फादर साहब ने, तो सी चला रहे हुए दुकान में। मेरी उम्र 64 है, मैं इतने ही रहना वहाँ अमृतसर के बीच ही, और मैं इन्होंने को आलमोस्ट 40 साल तो इन्हों का ही कुलचा खा रहा। ਭਾਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਲਚੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ 15 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ 10-12 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲਚੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਲਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਲਚਾ ਸਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਗਰ ਕੁਲਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਾਇਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਕੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਟੇਸਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ
पेट्रोल के बड़ा प्राइस देखो बाकी छड़ नहीं दियो गल कोई हाई डाउन करेगी किस तरह करेगी मैं इको गल जानना वा महंगाई की गल करो अजकल तुसी टेस्ट की गल करो टेस्ट चाहिए पांच अगले कहते मैं क्वालिटी भी दे क्वांटिटी भी दे मेरा मन संतुष्ट होना चाहिए पांच दस बार कस्टमर सैटिस्फाई चाहिए बस कस्टमर सैटिस्फाई होता पांच दस की कोई कोई चक्कर नहीं है जिन्हें खाना है जिन्हें नहीं खाना उन्हें नहीं खाना जिन्हें खाना उन्हें खाना नहीं पांच दस की कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके यार मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, यहाँ पे छत्ती हुई चौक है और यहाँ पे आपको शॉप मिलने वाली है भाजी के कुलचे, इतने ज़्यादा टेस्टी हैं, आप एक बार ही खाओगे फ़ैन हो जाओगे, आप कहोगे कि आज के बाद कुलचे खाने हैं अमृतसर में तो भाजी के ही खाने हैं। ये आ गया जी सीक्रेट मसाला, यार यहाँ पे हमारी कुलचे की प्लेट आ चुकी है, देखने में बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और डिलीशियस लग रहे हैं। तीन प्लेट हमने यहाँ पे करवाई है, आलू वाले कुलचे हैं, देसी घी ऊपर लगाया है और इनका जो सीक्रेट मसाला आपको दिख रहा होगा ना इसी का ही सारा टेस्ट है, सीक्रेट मसाले का टेस्ट है। मैं टेस्ट करके बताता हूँ कितने ज़्यादा चने की कंसिस्टेंसी चेक करो यार, एकदम गाढ़े चने हैं। और यहाँ पे प्याज की है चटनी, यार चटनी में इन्होंने कुछ लिक्विड डाला हुआ ऊपर काटे हुए प्याज, लेकिन जो चने की कंसिस्टेंसी है वो सबसे ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा टेस्टी लग रही है, खा के ही पता लगने वाला है। और हमने साथ में मंगाई है लस्सी, तो फर्स्ट बाइट लेते हैं हम अपनी आज की। लेकिन यार जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुलचे का क्रिस्प है ना, आप चेक करो, आपको आवाज़ आ रही होगी, कुलचे का क्रिस्प है बहुत ज़्यादा यार। कुलचे है ना, कुलचे और नान बेसिकली वो अमृतसर के फेमस है। सबसे पहले नान और कुलचे की स्टार्टिंग हुई थी ना वो अमृतसर से हुई थी, और मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे अमृतसर के कुलचों का रिव्यू कर रहा हूँ, और मेरे पापा ने रिकमेंडेशन दी थी कि 50 साल से भी पुरानी शॉप पे लेके आए हैं वो, आज हमें यहाँ पे खिलाने के लिए, तो टेस्ट करते हैं अपने फर्स्ट बाइट। यहाँ पे हमने लिया जी छोले से छोले, और इनकी जो डाली हमने प्याज वाली चटनी। हेयर इज द फर्स्ट बाइट फॉर मी, अमेजिंग। मतलब यार मेरे पास वर्ड्स नहीं है, अमृतसर में फर्स्ट टाइम मैंने कुलचे को ट्राई किया है, फर्स्ट शॉप है मेरी, और इतने ज़्यादा टेस्टी हैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैंने अम्बाला में भी बलदेव राज जी के कुलचे ट्राई किए हैं, मैंने अम्बाला कैंट में भी कुलचे ट्राई किए हैं, और चंडीगढ़ में भी कुलचे ट्राई किए हैं, लेकिन ये सबसे यूनिक मतलब मुझे टेस्ट लगा सबसे, और सबसे बेस्ट कुलचे यही लगे हैं। अभी और जगह भी ट्राई करेंगे, लेकिन अभी हम बीके कुलचे वालों के पास है जो 50 साल से भी पुरानी शॉप है, तो सेकंड बाइट लेते हैं। ये हमने ले लिया जी छोले, छोले भर लेते हैं हम पूरे, और डाल लेते हैं जी प्याज। अमेजिंग यार, मतलब अगर आप कुलचे या नान के फैन हो ना, कुलचे या नान आपको पसंद है ना, तो अमृतसर में ही आपको बेस्ट क्वालिटी मिल सकती है पूरे इंडिया में, क्योंकि ये फूड जो ट्रेडिशनल अमृतसर से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले शुरुआत कुलचे नान के अमृतसर में हुई थी, और यहीं पर सबसे आपको बढ़िया मिल सकते हैं कुलचा, सबसे बढ़िया अच्छा वो ठोकरा कुलचा बनाते हैं, इस करके मैं उन्होंने अपने नाल इतने लैके आया, पुरा 50 साल पुरानी दुकान है कुलचे वाले, पहले असी इन्हों को 5 रुपए तो शुरू किया, उस तो बाद 8 मक्खन ला के 10, अज जमाना बहुत तेज हो गया इस करके रेट इन्होंने थोड़े बढ़ गए, माल क्वालिटी नहीं घटी, क्वालिटी उही है, मतलब अज रेट 40-50-60 पहुंच गया, 40 रुपए रेट इन्हों पर माल जरा 50 तो भी उपर है। अंबाले खाते हैं इतने खाते हैं, ਕਿਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਤੋ ਜੀ ਇਧਰ ਆਪਣੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ, ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਲੱਸੀ ਹਮਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਲਚੇ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਲਚੇ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਲੱਸੀ ਕਾ ਫਸਟ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ, ਕੁਲਚੇ ਤੋ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥੀ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਲਚੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੀ ਥੀ ਕਿ ਯਹਾਂ ਕੇ ਕੁਲਚੇ ਆਪਕੋ ਸਭਸੇ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ।
जो अभी हम शॉप पे बैठे हैं वो जे एस कुलचा पॉइंट पे बैठे हैं, लेकिन इनके कुलचे खा के यार लिटरली मुझे मतलब ऐसा टेस्ट पहले नहीं मिला। तो लस्सी टेस्ट करते हैं। मज़ा आ गया यार, इससे टेस्टी मुझे अम्बाला में अभी तक टेस्ट करने को मिला नहीं। अमृतसर में तो हमने फर्स्ट रिव्यू लिया, आज अभी आगे देखते हैं कितने हमें वैरायटीज मिलती हैं और कितना कुछ मिलता है। लेकिन जे एस कुलचा पॉइंट लिटरली सबसे बेस्ट लगा मुझे अभी तक का। यार आज की जो सारी रिकमेंडेशन है ना वो पापा ही दे रहे हैं। अभी हमने जे एस कुलचा पॉइंट के कुलचा ट्राई किए थे, अभी हम जा रहे हैं ये देखो पापा बीरा पूरी वाला बता रहे कि ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है अमृतसर में। तो अभी चलते हैं और चेक करते हैं कि बीरा पूरी वाला कितना ज़्यादा टेस्टी है। लिटरली बता रहा हूँ जे एस कुलचे वाला अभी तक के सबसे बेस्ट कुलचे लगे मुझे। सही है, मिलना लेना अमृतसर से तो तेनों जे एस कुलचे किमें लगे? बिल्कुल सारे तो डिफरेंट काफ़ी खाते हैं, मतलब इधर हमें नान उस वाले दो बंदे तो खाते हैं यार। लिटरली जे एस कुलचा ना बहुत ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट था। अभी जा रहे हैं बीरा पूरी वाले के पास, चलो फिर चेक करते हैं।